सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं आने वाले मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के बारे में। एंड गाइज, मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें आपको कौन सा बंडल देखने के लिए मिल सकता है। एंड गाइज, बात करेंगे वन पंच मैन इवेंट के जो ग्लोबल स्किन के बारे में, उसके साथ साथ और एक नया इमोट के बारे में। एंड गाइज, मैं आपको बताने वाला हूँ ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे टुनाइट अपडेट के बारे में। एंड गाइज, देखेंगे आज हमारे सर्वर में आपको कौन कौन से नए इवेंट देखने के लिए मिलने वाला है। एंड गाइज, क्या क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। एंड गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड गाइस, इस वीडियो का भी लाइक हम रखते हैं 800 का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। तो गाइस प्लीज लाइक शेयर कर देना। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे वन पंच मैन इवेंट के बारे में। तो गाइज, जैसे आप सभी को बताया, वन पंच मैन इवेंट स्टार्ट हो चुका है। एंड गाइज, बहुत जल्द आपको और कुछ रिवार्ड देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइज, इस बार आपको देखने के लिए मिलने वाला है ग्लू वॉल का स्किन, उसके साथ साथ और एक नया इमोट। तो गाइज, अगर हम बात करेंगे जो ग्लू वॉल स्किन के बारे में, तो गाइज जैसे आप देख ही सकते हो, इस टाइप का आपको कुछ ग्लू वॉल का स्किन देखने के लिए मिलने वाला है। एंड गाइज, इसको अवेलेबल किया गया है डायरेक्टली स्टोर की सेक्शन में। तो गाइज, ग्लू वॉल देखने में काफ़ी सही लग रहा है। एंड गाइज, हो सकता है हमारे सर्वर में इसको टॉप अप में अवेलेबल किया जा सकता है। तो गाइस, मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है। एंड अगर हम बात करेंगे इमोट के बारे में, तो गाइस इमोट आपको इस टाइप का कुछ देखने के लिए मिलने वाला, मतलब देखने में काफ़ी ज़्यादा फनी टाइप का आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस, इसको भी डायरेक्टली अवेलेबल किया गया है स्टोर की सेक्शन में। तो गाइस, लगभग दो सर्वर में गरेना ने ऐसा किया कि इन दोनों आइटम को डायरेक्टली स्टोर के सेक्शन में अवेलेबल किया गया है। तो गाइस, जहाँ तक मुझे लगता है, ग्लोबल का स्किन आपको हमारे टॉप अप में देखने के लिए मिल सकता है। एंड गाइस, ये जो इमोट है गाइस, आपको किसी इवेंट में अवेलेबल किया जा सकता है। तो गाइस, इमोट मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। एंड गाइस, आपको ग्लोबल का स्किन कैसा लगा? अगर ये टॉप अप इवेंट में आता है, क्या आप इसको लोगे या नहीं लोगे, मुझे ज़रूर बताना। सो गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे आने वाले मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के बारे में। तो गाइज, आपको बहुत जल्द हमारे सर्वर में भी मैजिक क्यूब के स्टोर में एक नया बंडल अवेलेबल किया जा सकता है, जिसका नाम है बीस्ट आर्म बंडल, जो गाइज बहुत ज़्यादा ओपी बंडल है, जैसे आप सभी को बताया। एंड गाइज, काफ़ी रिसेंट टाइम में आपको ये बंडल अवेलेबल किया गया था हमारे डायमंड रॉयल सेक्शन में। तो गाइज, ये बंडल अनदर कंट्री के सर्वर में आ चुका है। एंड गाइज, अभी फिलहाल लीक्स में बताया जा रहा है, ये आपको बहुत जल्द हमारे सर्वर में भी अवेलेबल किया जा सकता है। तो गाइज, जब ये डायमंड रॉयल में आया था, मैंने इसके लिए स्पिन भी किया था। एंड गाइज, मेरे पास ये ऑलरेडी परमानेंट भी है। तो गाइज, जो भाई लोग उस टाइम नहीं ले पाए थे या आपने डायमंड वेस्ट किए थे, तो गाइज अगर आपके पास मैजिक क्यूब है, तो गाइज अभी फिलहाल मतलब कुछ भी बंडल मत लेना मैजिक क्यूब से, कुछ दिन का वेट कर लेना, उसके बाद आप इस बंडल को ले सकते हो। तो गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे आने वाले 1887 स्किन के बारे में, उसके साथ साथ एक नया लॉन्चर स्किन के बारे में। तो गाइज, 1887 स्किन के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये जो स्किन होने वाला आपको वन पंच मैन इवेंट थीम के ऊपर देखने के लिए मिलने वाला है। एंड गाइज, अगर हम बात करेंगे इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, जिसमें आपको डबल डैमेज, सिंगल आपको रिलोड स्पीड, उसके साथ साथ माइनस आपको इधर एक्यूरेसी देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइज, काफ़ी सही स्किन होने वाला है। एंड गाइज, ये आपको देखने के लिए मिल सकता है किसी स्पेशल इवेंट में। एंड गाइज, जहाँ तक मुझे लगता है, इसको लेने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा डायमंड वेस्ट भी करना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक नया लॉन्चर स्किन के बारे में, जिसका नाम रखा गया है मिडनाइट माफिया, जैसे आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। एंड गाइस, अगर हम बात करेंगे इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, जिसमें आपको डबल डैमेज, सिंगल एमओ एंड गाइस स्पीड में आपको माइनस देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइज, ये जो स्किन है गाइज, काफ़ी ज़्यादा ओपी होने वाला है। एंड गाइज, अगर आपको आता है लॉन्चर चलाने के लिए, तो गाइज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब जहर स्किन होने वाला है। तो गाइज, ये स्किन आपको किस इवेंट में देखने के लिए मिलने वाला है, इसके बारे में अभी तक मतलब कंफर्म न्यूज़ नहीं है। जैसे इसके बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज, आपको ये स्किन कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताना। सो गाइज, देख लेते हैं आज हमारे सर्वर में आपको कौन कौन से नए इवेंट देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइज, आज आपको एक नया इमोट देखने के लिए मिलेगा। एंड गाइज, ये आपको हमारे स्टोर के सेक्शन में अवेलेबल किया जाएगा। तो गाइज, अगर हम बात करेंगे इमोट के बारे में, तो गाइज इसके लिए आपको लगभग 700 डायमंड पे करना होगा। एंड गाइज, जैसे आप देख सकते हो यार, ये जो इमोट है गाइज, इसके ज़्यादा अच्छा आपको इमोट देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइज, ये इमोट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो गाइज, आपको इमोट कैसा लगा, क्या आप इसको लोगे या नहीं लोगे, मुझे ज़रूर बताना। तो गाइज, वैसे 700 डायमंड काफ़ी ज़्यादा है एक इमोट के लिए। तो गाइज, आप बताना क्या आप इसको लोगे या नहीं लोगे, ये वर्थ है या नहीं है, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइज, देख लेते हैं इसके अलावा आपको और कौन कौन से नए इवेंट देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइज, इधर तो कोई नया इवेंट है नहीं, एक ही नया इवेंट देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइज, अभी हम चलते हैं हमारी इवेंट के सेक्शन में। एंड गाइज, इधर भी चेक कर लेते हैं। आज आपको हमारे सर्वर में एक ही नया इवेंट देखने के लिए मिलेगा, वो है हमारा नया इमोट, जो गाइज आपको हमारे स्टोर के सेक्शन में अवेलेबल किया गया है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइज, प्लीज़ शेयर कर देना। सो गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।